दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि YouTube में हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं और मोबाइल में ही दूसरा कुछ काम करना होता है, जिसमें हमको ये जो सॉन्ग सुन रहे हैं वो हमें बंद करना पड़ता है और दूसरा काम करने के लिए YouTube से बैक होके जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि YouTube का जो सॉन्ग है वो बंद हो और हमारा दूसरा भी काम हो जाए दोस्तों, लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरा YouTube का सॉन्ग बंद हो। तो दोस्तों YouTube के अंदर ऐसा कोई फीचर दिया हुआ नहीं रहता जिसके मदद से आप बैकग्राउंड प्ले म्यूजिक को ऑन रख सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं YouTube में बैक जाके, ठीक है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, अमेजिंग ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके मदद से आप बैकग्राउंड प्ले में भी YouTube का सॉन्ग ऑन रख सकते हैं, प्ले रख सकते हैं और दूसरा भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो वाला जो सॉन्ग है सर्च कर लेना है और सुन लेना है, थोड़ा देर आपको प्ले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ये ड्रैग करके आपको फर्स्ट से लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। और मिनिमाइज करने के बाद आपका यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट का, शॉर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो वीडियो है थोड़ा देर आपको वॉच कर लेना है। थोड़ा देर वॉच करने के बाद आपको सिंपल सा बैक चले जाना है, जैसे कि मैं चला जाता हूँ। और बैक जाने के बाद फिर से आपको ये वाला सॉन्ग जो है फिर से ऊपर ले आना है, और ये जो आप लास्ट ले गए थे इसका वो लास्ट से आपको फिर से फर्स्ट ले आना है। फर्स्ट में लाने के बाद आपको छोड़ देना है और आपको सिंपल सा प्ले कर देना है। जैसे ही आप प्ले करते हैं ये सॉन्ग आपका बजने लगता है। सॉन्ग बजने के बाद आपको फिर से आपको यहाँ डायरेक्ट आपको बैक डायरेक्ट आपको होम पेज चले जाना है। जैसे ही आप होम पेज जाते हैं आप देख सकते हैं मेरा जो सॉन्ग है वो अभी तक बज रहा है, यानी कि हम यूट्यूब से बैक चले आए हैं लेकिन फिर भी मेरा जो सॉन्ग बज रहा है और हम दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जो ट्रिक है ये अगर पसंद आए तो हम दो एक लाइक दोस्तों, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।